प्रेसिडेंट शी की रिक्वेस्ट पर हम हमारा डेलीगेशन चाइना जा रहा है और इसलिए जा रहा है कि चाइना के साथ हम यकजहती का इजहार करें, इसलिए जा रहा है कि हम इस बात को अप्रिशिएट करें कि दुनिया के अंदर चाइना ने बहुत बड़ा मुकाबला कोरोना वायरस के साथ किया है। अब वहाँ अब इस वबा को किसी हद तक हैंडल किया जा रहा है। चाइना शुक्रिया भी अदा करना चाहता है पाकिस्तान का कि हमने उनके ऊपर भरोसा किया, हमारे जो लोग चाइना के अंदर मौजूद थे तो एक भाई की तरह हमने उनके ऊपर भी भरोसा किया कि वो उनका ख्याल रखेंगे अच्छी तरह से, और उसके ऊपर वो भी मशहूर हैं इस बात पे कि हमने उनके ऊपर ट्रस्ट किया। तो लिहाजा ये एक सॉलिडेरिटी का इजहार है चाइना के साथ और चाइना की आवाम के साथ, और इस बात का भी इजहार है कि वहाँ जो जानी नुकसान हुआ उस पर हम उनके साथ कंडोलेंस भी करेंगे इस बात की, और ये कि चाइना ने जिस अंदाज से मुकाबला किया इस वबा का तो वो दुनिया के लिए भी एक नसीहत है। तो कुछ इनपुट हमें भी मिलेंगी उनसे, असद साहब भी जा रहे हैं और शाह साहब भी जा रहे हैं, तो वहाँ से इस बात का इम्कान है कि उनसे उनके तजुर्बे से हमें पता चले कि हम किस अंदाज से इन सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। प्रेसिडेंट शी की रिक्वेस्ट पर हमारा डेलीगेशन चाइना जा रहा है और इसलिए जा रहा है कि चाइना के साथ हम यकजहती का इजहार करें, इसलिए जा रहा है कि हम इस बात को अप्रिशिएट करें कि दुनिया के अंदर चाइना ने बहुत बड़ा मुकाबला कोरोना वायरस के साथ किया है। अब वहाँ अब इस वबा को किसी हद तक हैंडल किया जा रहा है। चाइना शुक्रिया भी अदा करना चाहता है पाकिस्तान का कि हमने उनके ऊपर भरोसा किया, हमारे जो लोग चाइना के अंदर मौजूद थे तो एक भाई की तरह हमने उनके ऊपर भी भरोसा किया कि वो उनका ख्याल रखेंगे अच्छी तरह से, और उसके ऊपर वो भी मशहूर हैं इस बात पे कि हमने उनके ऊपर ट्रस्ट किया। तो लिहाजा ये एक सॉलिडेरिटी का इजहार है चाइना के साथ और चाइना की आवाम के साथ, और इस बात का भी इजहार है कि वहाँ जो जानी नुकसान हुआ उस पर हम उनके साथ कंडोलेंस भी करेंगे इस बात की, और ये कि चाइना ने जिस अंदाज से मुकाबला किया इस वबा का तो वो दुनिया के लिए भी एक नसीहत है। तो कुछ इनपुट हमें भी मिलेंगी उनसे, असद साहब भी जा रहे हैं और शाह साहब भी जा रहे हैं, तो वहाँ से इस बात का इम्कान है कि उनसे उनके तजुर्बे से हमें पता चले कि हम किस अंदाज से इन सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे।